بسم الله الرحمن الرحيم। आज की हमारी आयत नंबर 71 जो कि ये भी हजरत मूसा अलैहि सलाम के ही मुताल्लिक है। मूसा अलैहि सलाम के पास जब मलाकुल मौत इजराइल अलैहि सलाम तशरीफ लाए आपके रूह कब्ज करने के लिए, मूसा अलैहि सलाम की रूह कब्ज करने के लिए मलाकुल मौत तशरीफ लाए, तो मूसा अलैहि सलाम ने मलाकुल मौत को देखकर उसे एक तमाचा दे मारा। ऐसा तमाचा लगाया मूसा मलाकुल मौत को मूसा अलैहि सलाम ने कि मलाकुल मौत की आंखें बाहर निकल आई। मलाकुल मौत वो फटी हुई आंख लेकर फौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा या अल्लाह आज तूने मुझे एक ऐसे बंदे की तरफ भेजा है जो मरना ही नहीं चाहता है। या अल्लाह तूने मुझे आज ऐसे बंदे की तरफ भेजा है उसकी रूह निकालने जो मरना ही नहीं चाहता है। ये देख तमाचा मारकर मेरी आंख निकाल के रखे। खुदा ताला ने मलाकुल मौत की उस आंख को दुरुस्त फरमा दिया, वो आंख ठीक हो गई। हमारा के मेरे बंदे मूसा के पास दोबारा जाओ, कहा गया अल्लाह मैं नहीं जाता। ये तो फिर तमाचा मारा। मलाकुल मौत ने मना किया, या अल्लाह मैं नहीं जाता, ये मुझे फिर तमाचा मारेंगे। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि नहीं जाओ नहीं मारेंगे ये, मगर अपने साथ एक बैल जिसको हम बछड़ा कहते हैं गाय, ये साथ लेकर जाओ और उनसे कहना कि मूसा अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आली शान है कि इस गाय के ऊपर इस बछड़े के कमर के ऊपर आप हाथ फेरे, आपकी हथेली के अंदर जितने बाल मस होंगे, इस जानवर के कमर के बाल जितने आपके हाथ की हथेली से मस होंगे आपकी उतने साल उम्र बढ़ा दी जाएगी। अब मलाकुल मौत फिर आ गया, कहने लगा कि मूसा अल्लाह तबारक व तआला ने गाय साथ भेजी, आप इसकी कमर के ऊपर हाथ फेरे और जितने बाल आपके हाथ पर मस होंगे टच होंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि उसके बाद मुझे मैंने फिराना कि दुनिया में जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, दुनिया ये मुसाफिर खाना है। तो मूसा अलैहि सलाम ने को मलाकुल मौत ने अर्ज किया मैं उसके बाद फिर आ जाऊंगा, तो मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब तुमने बाद में फिर आना ही है तो मैं आज ही तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, हाँ मैं आज ही तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबियों की ये शान है कि चाहे तो मलाकुल मौत को भी तमाचा दे मारे, उसकी आंख निकाल के रख दें, नबी वो होता है और नबी वो होता है जो मरना चाहे दुनिया से पर्दा फरमाना चाहे तो मलाकुल मौत उनके करीब आता है। जैसे नबी की इशान मालूम होती है, एक आम आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है। एक आम आदमी के लिए तो ये शेर प्रस्ताव है कि लाई हयात आए कदा ले चली चलिए अपनी खुशी ना आए अपनी खुशी चलिए, एक आम आदमी के लिए तो ये अशार है। तो मेरे बुजुर्गों और अजीज साथियों, नबियों ने जब दुनिया छोड़नी होती है इस हकायत से मालूम होता है, जब नबियों ने दुनिया से पर्दा फरमाना होता है तो उनकी मौत होती है वरना नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।